हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं क्योंकि लास्ट के ही 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं और जल्दी से देख लेते हैं 11th क्वेश्चन क्या है। यह है अपना डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, स्पेशल डेटाबेस, स्पाइटल बोलते हैं वैसे तो, स्पाइटल डेटाबेस, ज्योग्राफिकल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड टेम्पोरल डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, मल्टीमीडिया डेटाबेस, मोबाइल डेटाबेस, ये डेटाबेस, वो डेटाबेस, मतलब कि हज़ार वेराइटी के डेटाबेस हैं। हमारे कोर्स के अंदर जो आईटी का कोर्स है, AKTU का, उसके अंदर 10-12 तरीके के दे रखे हैं। अब मैं आपको जो मेन 5 हैं उनके बारे में आपको ज्ञान देने वाला हूँ। अब डेटाबेस होता क्या है, बेसिकली डेटाबेस जो होता है, जो एक तरह का सेट ऑफ डेटा होता है जिसके अंदर हम चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं और उसके अंदर हम सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि टेबल कैसे बनानी, कॉलम कैसे बनाने, और सेट ऑफ डेटा हो रहा होता है, डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं। जैसे अपन ने 5 बच्चों की हाइट का एक एग्जांपल मैंने देखा था, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा होंगे और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ उनके डेटाबेस बनाए जाएंगे। तो उसी तरीके से डेटाबेस के नेचर के अकॉर्डिंग, डेटाबेस के नेचर के अकॉर्डिंग जो टाइप होता है उसी को ही उसका डेटा बोला जाता है। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है, जब मल्टीपल कंप्यूटर्स में आपका डेटा स्टोर होता है और मल्टीपल प्लेसेस में आपका डेटा स्टोर होता है और वो डिस्टिंक्ट टाइप का आपका डेटा स्टोर होता है, यानी कि आपने इंडिया का भी डेटा लिया, अमेरिका का भी लिया, US का भी लिया, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपका डेटा यूज़ हो रहा होता है और स्टोर हो रहा होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस के अंदर आता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस क्या है, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ट्रांस अक्रॉस मल्टीपल ज्योग्राफिकल स्प्रेड कंप्यूटर्स, यानी मल्टीपल ज्योग्राफिकल कंप्यूटर्स में स्प्रेड है आपका डेटा और वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसको स्केल कर सकते हो, अवेलेबिलिटी होती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है क्योंकि मल्टीपल यूज़र है। याद रखना, जहाँ पे भी मल्टीपल यूज़र होगा वहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़ती है, कम नहीं होती, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। तो चैलेंज में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है और डेटा की कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर एक जना क्या कर रहा है, दूसरा जना क्या कर रहा है, क्योंकि सबका स्किल लेवल अलग अलग होता है। अब स्पेशल डेटाबेस या स्पाइटल डेटाबेस, स्पाइटल ही सही नाम है, यहाँ पर हम जब जियोमेट्रिक काइंड ऑफ डेटा होते हैं या स्पेशल काइंड ऑफ डेटा हम एंटर कर रहे होते हैं तो स्पाइटल डेटाबेस यूज़ करते हैं, जो हमारी क्वेरी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, सॉरी, जो हमारी मैनेज कर रहे होते हैं क्वेरी डेटाबेस को ऑब्जेक्ट के थ्रू और डिफाइन ज्योमेट्रिक स्पेस, ज्योमेट्रिक लाइक पॉइंट, लाइन, पॉलीगन्स, इस तरीके का, जब जियोग्राफिक के अकॉर्डिंग, मतलब कि कोई कह सकते हो स्पाइटल डेटाबेस वहाँ यूज़ होता है जब हम कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं या कोई इक्वेशन या ऑब्जेक्ट बेस्ड कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं, स्पेशल डेटाबेस होता है जहाँ पर हम डेटा की इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे लिखा है, लोकेशन बेस्ड सर्विस में, अर्बन प्लानिंग में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करने में, बेसिकली साइंटिफिकल टूल्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है ना। तो स्पेशल डेटाबेस आप स्पाइटल, है ना, स्पाइटल डेटाबेस। नेक्स्ट आ गया ज्योग्राफिकल डेटाबेस, ज्योग्राफिकल डेटाबेस जब हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड, है ना, वो दिशांत उत्तरांत वो वाली दिशाओं के कारण जब हम डेटाबेस तैयार कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आ जाता है, ये आ गया लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसके अकॉर्डिंग जब हम रियल वर्ल्ड में कोई डेटा प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ज्योग्राफिकल डेटाबेस में आ जाता है। इसकी फंक्शंस क्या होती हैं, जियो पार्टिकल में एनालिसिस करने में और मैप करने में इसकी यूज़ होता है, और डेटा को विजुलाइज करना, स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल डेटा को विजुलाइज करना, मतलब जिस नेचर का डेटा है ना उस नेचर के आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट होता है टेम्पोरल डेटा, टेम्पोरल बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टेम्पोरल डेटा कोई टाइम स्टैम्प का कोई डेटा होता है उसको टेम्पोरल डेटा बोलते हैं। 5 साल का डेटा, 15 साल का डेटा, 10 साल का डेटा, 1 डिकेड का डेटा, 2 डिकेड का डेटा, है ना, 10 दिन का डेटा, 1 वीक का डेटा, 4 वीक का डेटा, तो वो टेम्पोरल डेटाबेस में आता है जो एक पीरियड के साथ चेंज हो जाता है। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, आज से 10 साल बाद कौन रहेंगे कौन जानता है, लेकिन एक टेम्पोरल डेटाबेस के अंदर क्या है कि 5 साल ये रहे, 5 साल ये रहे, 5 साल ये रहे, जो एक पीरियड ऑफ बाद चेंज हो जाता है यूजुअली, है ना। फंक्शनैलिटी क्या होती है कि आप हिस्टोरिकल चीज़ों को इसमें एनालिसिस कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। अब इसका वर्जन रिकॉर्ड करना और हिस्टोरिकल डेटा ट्रेंड एनालिसिस करने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जब किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जब डेटा का क्रिएशन करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा होता है, लाइक कि अब मेरे को कोई फिनोमिना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में एनालिसिस करना है तो मैंने उसका कोई डेटा कलेक्ट करा तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हो गया, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसको स्केल नहीं किया जा सकता और लिमिटेड स्कोप होता है, ठीक है। अब कौन सा डेटाबेस मेरे को क्रिएट करना है, क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना है कि स्पाइटल करना है कि कौन सा डेटाबेस करना है, तो भैया हम सीधी सीधी बोल देते हैं कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स,
किसकी कैरेक्टरिस्टिक, हमारे डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे नेचर, हमारे क्वेरी का नेचर, मेरा नेचर नहीं, हमारी क्वेरी जो कारण से हमको डेटा कलेक्ट करना है, मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर, हमारा बजट, हमारा टाइम और ऑब्जेक्ट, कंपनी का ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग, और स्केलेबिलिटी रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस, क्वेरी, इसी के कारण हम डेटा प्रिपेयर करते हैं। मतलब जैसी ज़रूरत होगी वैसा डेटा सेट बनाया जाता है, सिंपल सी बात है। उसकी ज़रूरतों के पॉइंट्स निकालो, नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, बजट हो गया, टाइम हो गया, क्वेरी हो गई, यही सारे पॉइंट बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश चल रही है। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चीज़ें टफ दिख रही हैं लेकिन इतनी भी टफ है नहीं। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।